हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एचएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग व सीएचओ रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे एमपीसीएचओ 2021 वाली भर्ती, जिसमें टोटल 3,570 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें 1,890 पोस्ट डायरेक्ट सीएचओ रिक्रूटमेंट थी। उसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल थे और 1,680 पोस्ट सीसीएस सर्टिफिकेट कोर्स हेतु थी। इसमें पुराने जितने भी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, जीएनएम स्टूडेंट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट व बीएएमएस वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, परंतु अभी का लेटेस्ट अपडेट यह है कि 1,890 वैकेंसी जो डायरेक्ट सीएचओ के लिए थी, इसमें बीएससी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल थे। इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है। अब इस वैकेंसी में केवल 1,680 सीटें रह गई है, जिसमें पुराने बीएससी नर्सिंग, जीएनएम व बीएएमएस वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। यानी इस वर्ष बीएससी नर्सिंग व पोस्ट बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि वो इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भर्ती केवल पुराने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग व बीएएमएस वाले स्टूडेंट्स के लिए रह गई है और टोटल पदों की संख्या भी 1,680 ही रह गई है। बाकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस के बारे में बता चुका हूँ, और एग्ज़ाम भी मार्च में होने के 99.99% चांस है, तो अपनी तैयारी बना रखें। फ्रेंड्स, इससे पहले एमपीसीएचओ 2020 3,800 पदों पर भर्ती निकली थी, उसमें केवल 2020 में पोस्ट बीएससी नर्सिंग व बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को ही एलिजिबल कर दिया गया था। खिलाफ बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट व नर्सिंग संगठनों ने उसका विरोध किया था और मीडिया में भी जोर शोर से मुद्दा उठा था कि एमपी गवर्नमेंट एक स्टूडेंट पर 1,50,000 रुपये बचाने के चक्कर में बहुत सारे पुराने नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इस नोटिफिकेशन से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को थोड़ा झटका लगा है, परंतु घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि पिछली भर्ती में इन बीएससी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को मौका दिया था, पुराने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को मौका नहीं दिया गया था। इसके विपरीत एमपीसीएचओ 2021 की भर्ती में इन बीएससी नर्सिंग व पोस्ट बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को मौका नहीं दिया जा रहा है, केवल इसमें अब जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस वाले पुराने स्टूडेंट्स ही फॉर्म भर पाएंगे। हो सकता है नेक्स्ट भर्ती में दोनों को मौका मिल जाए। फ्रेंड्स, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 फरवरी 2021 थी, जिसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी डेट अब 28 फरवरी 2021 हो गई है। जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई कर दें। फ्रेंड्स, एमपीसीएचओ 2021 भर्ती में जिन्होंने सीसीएस सर्टिफिकेट कोर्स है तो अप्लाई कर दिया है, वो प्रोग्राम स्टडी सेंटर दोबारा चूज कर लें। इसकी लास्ट तारीख 28 फरवरी 2021 रहेगी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे ही जानकारी पर वीडियो बनाते रहे, आप तक भेजते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।